हाय गाइस, वेलकम टू माय हाउस। आज आपको मैं अपने सोलर पैनल सिस्टम का डिटेल्ड प्राइसिंग और सेटअप दिखाऊंगा। चलो, ये हमारी स्टेयर्स हैं जो रूफ़ की तरफ जाती हैं, और इसके साथ यहाँ पे जगह बनी हुई है जहाँ पे हमने सोलर पैनल सेटअप लगाया है। ये बैटरीज हैं फिनिक्स T2500। ये डीप साइकिल ट्यूबुलर बैटरीज हैं। इनकी प्राइस एक बैटरी की 26,000 है, जो हमें स्पेशल प्राइस पे मिली थी, वरना वैसे ये 28 की मिलती है मार्केट में। ये हमारा नाइट्रॉक्स इनवरेक्स 5 किलोवाट, इसकी प्राइस है 1,25,000 का लिया था हमने, लेकिन अब ये 1,30,38 का हो गया। ये हमारे डीसी ब्रेकर्स लगे हुए हैं जो सोलर पैनल को इनके सनी शॉर्ट कट ऑफ के लिए यूज़ होते हैं, और ये हमारा वापडा के साथ चेंज ओवर लगा हुआ। स्टेयर्स के साथ थोड़ी सी जगह थी, यहाँ भी सारा सेटअप लगाया हुआ है। ये हमारा सोलर पैनल का स्टैंड है जो हमने खुद ही डिज़ाइन किया है, लेकिन मैन्युफैक्चर यहाँ के लोकल जो होते हैं मेटल वर्कर्स, उनसे कराया। डिज़ाइन सारा हमारा अपना था, उन्होंने सिर्फ कंस्ट्रक्शन किया है इसकी। ये 10 पैनल्स हैं, 440 वाट के 10 पैनल्स लगे हुए हैं। इस पे अप टू 14 पैनल्स लग सकते हैं, हमने अभी सिर्फ 10 लगाए हैं। ये 440 वाट के 10 पैनल्स लगे हुए हैं, मोनोक्रिस्टलाइन हाफ कट पर्क। इस सेटअप पे 14 सोलर पैनल्स लग सकते हैं, लेकिन हमने इस वक्त सिर्फ 10 लगाए हुए हैं क्योंकि हमारा इतने से गुजारा हो रहा था। ये एक प्लेट 440 वाट की है, इनवरेक्स विद 25 ईयर्स वारंटी। दो स्ट्रिंग्स लगी हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग ये वाली, सेकंड स्ट्रिंग ऊपर वाली, और ये अप टू 2200 वाट्स मेरे ख्याल में एक स्ट्रिंग प्रोड्यूस करती है। इस स्टैंड के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। ये स्टैंड हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये टोटली बोल्ट ऑन है। ये आप उसको खोल के, फोल्ड करके, कहीं भी मूव करके शिफ्ट कर सकते हो। वेल्डिंग किसी भी पॉइंट पर नहीं हुई, हर चीज़ बोल्ट ऑन है। अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में 10 किलो वाट के लिए, तो हम इसको इधर को एक्सटेंड करेंगे। ये एक्सटेंशन के लिए हमने छोड़ा हुआ है। यहाँ पे दो बोल्ट्स लगेंगे और एक्सटेंड हो जाएगा, और आगे एक्स्ट्रा लेग्स लग जाएंगी। इस स्टैंड पे हमारा ख़र्चा तकरीबन आया है, ये एडजस्टेबल स्टैंड है, इसका एंगल चेंज हो जाता है सनलाइट के हिसाब से ना। मतलब अगर सर्दियों में जैसे सन की हाइट एलिवेशन थोड़ी कम होती है, तो इसका एंगल बढ़ सकता है, और गर्मियों में ऐसे कम हो सकता है। वो आप देख सकते हैं, बोल्ट्स दिए हुए हैं, नीचे जैक लगा के इसको ऐसे आप मूव कर सकते हो। आप इसको ऑटोमेटिक मूवमेंट भी दे सकते थे, लेकिन वो एक्सपेंसेस पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए हमने फिर ऐसे ही किया है कि बंदा जब मौसम चेंज होता है एक दफ़ा एंगल चेंज कर लेता है। ये ज़मीन के साथ भी बोल्ट ऑन है बिल्कुल, अगर आपने मूव करना है आप इजीली मूव कर सकते हो। फिर भी हमने इन केस, फर्स्ट टाइम लगा रहे थे तो हमें आइडिया नहीं था, तो हमने बस इन केस ये थोड़ा सा दो लेग इसकी पक्की कर दी हैं कि अगर आंधी के वक्त कोई मसला ना हो। अच्छा, तो इस स्टैंड पे हमारा ख़र्चा हुआ है तकरीबन 50,000 के करीब, आई थिंक। हाँ, रफली 50-60 के करीब हो गया होगा, क्योंकि ये मटेरियल हमने खुद बाय किया था, बोल्ट्स बाय किए थे, फिर जिनसे काम कराया उनको पे किया, इसकी मजदूरी भी दी थी, तो 50-60 स्टैंड पे लग गया। और जो सोलर पैनल की प्राइसेस हैं वो चेंज होती रहती हैं, लेकिन हमें ये पड़ी थी 48 रुपीज़ पर वाट। हाँ, विद 25 ईयर्स वारंटी, जिसमें जो हमारा इन्वर्टर है ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, मतलब ये ऑन ग्रिड भी चलता है, ऑफ ग्रिड भी चलता है, आप किसी भी टाइप का इसको यूज़ कर सकते हो। जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होते हैं उसके लिए वापडा कंपलसरी होता है। अगर आप वापडा से लाइट ऑफ होती है तो आपका इन्वर्टर बंद हो जाता है, आपका सोलर बिजली नहीं जनरेट करता। जो ऑफ ग्रिड होता है उसका बैटरीज पे बैकअप होता है, जैसे इसका है, और इसमें वो दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, तो ये था मेरा सोलर पैनल सेटअप।
अगर आप में से कोई ये लगवाना चाहता है या इसके बारे में कोई क्वेश्चन है आपके या कोई गाइडेंस चाहता है लगवाने से पहले, तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको फुली गाइड कर दूंगा कि इसका सेटअप आपने कैसे लगवाना है। ओके, थैंक यू।